धार विधानसभा उपचुनाव में इस बार महिला प्रत्याशियों के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला है। जी हां, इसी कड़ी में धार से भाजपा प्रत्याशी नीना वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा गौतम ने अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए ये रिपोर्ट। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा होते ही नाम निर्देशन पत्र जमा होने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में धार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती नीना विक्रम वर्मा और कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती प्रभा बालमुकुंद सिंह गौतम ने आज अपना नामांकन मुहूर्त में जमा किए। विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने 2008 और 2013 में अपनी पार्टी की विजयी विधायक श्रीमती नीना वर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 2008 में मात्र एक वोट से हारे प्रत्याशी बालमुकुंद सिंह गौतम की पत्नी प्रभा सिंह गौतम को टिकट दिया है। वर्तमान में कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम, जिनका एक वोट से हारने का चुनाव परिणाम मामला बाद में न्यायालय भी गया था और अंत में माननीय न्यायालय ने उन्हें विजयी घोषित किया था और 2008 कार्यकाल के अंतिम एक महीने विधायक भी रहे। साथ ही 2013 में बालमुकुंद सिंह गौतम भाजपा की नीना वर्मा से लगभग 11,000 वोटों से हारे थे। जी, मैं पार्टी ने मुझ पे तीसरी बार विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं संगठन के शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी का, सभी वरिष्ठ जन का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता और तमाम मेरे कार्यकर्ताओं का, जिनकी शुभकामनाओं की बदौलत आज मुझ पर पार्टी ने फिर विश्वास किया है और उस विश्वास को मैं कायम रखते हुए आने वाले समय में विकास को लेकर के डेवलपमेंट के काम करूँ। नामांकन आधारित आज जो है मुहूर्त था, इसलिए आज दाखिल कर दिया गया है और जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। उधार दूसरे का चुनाव हम निश्चित जीतेंगे, ऐसा सभी सबके बेहतर है। हालांकि इस बार कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों में टिकट वितरण के बाद असंतोष तेजी से उभरा है। अब देखना रोचक होगा कि दोनों ही महिला उम्मीदवारों के मैदान में आने से आगे क्या समीकरण बनते हैं और इस बार जीत का सहरा किसके सिर बंधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, धार।